इस वक्त हम आए हैं एक फार्मर के घर पे और इसके जानवर को मिल्क फीवर का मसला है। इसके जानवर को सूतक हो गई है, तो उसके लिए हम आईवी मेलफोनसी लगाएंगे और इसको मेलफोन सी को स्पीड के साथ जो आईवी नहीं देना चाहिए बल्कि स्लोली जो आईवी मेलफोन सी देनी चाहिए। मेलफोन सी इंजेक्शन आईवी इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम एंड फास्फोरस विद डेक्सट्रोज के साथ है। ये 300 ml की पैकिंग में है। तो कंडीशन वाइज मेलफोन सी में जो कैल्शियम जो है 300 ml इस्तेमाल करते हैं, इससे ज़्यादा भी कंडीशन के हिसाब से लगाई जा सकती है। और इस वक्त हम इसमें कैल्शियम सैंडोज के इंजेक्शन, 3 इंजेक्शन कैल्शियम सैंडोज के डाले हैं और 2 इंजेक्शन हमने इसमें बी कम्प्लेक्स के और 5 cc जो हमने इसमें डेक्सामेथासोन भी इंटर किया है। आप इसमें अगर आपके पास MEY-CAM इंजेक्शन हो तो वो भी डाल सकते हैं। अगर MEY-CAM डालना तो फिर बी कम्प्लेक्स जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती। मिल्क फीवर जो केस होता है इसमें जानवर मुकम्मल तौर पर जो है इसमें असाबी वीकनेस आ जाती है। जानवर का जो स्टमक मुकम्मल तौर पर रुक जाता है, जानवर जो बैठ जाता है या लेट जाता है, और जानवर जो इसमें इसकी कंडीशन ये टेम्परेचर इसका डाउन हो जाता है और जब टेम्परेचर डाउन होता है तो फिर हम जानवर में जो उठने की जो सलाहियत नहीं होती ये कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है कि इसमें मालिक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये हॉर्स एंड कैटल, शीप एंड गोट में भी इस्तेमाल की जाती है। हॉर्स एंड कैटल में 300 ml तक आईवी और शीप एंड गोट्स जो है उसमें 60 ml तक। और इस कंडीशन में जब जानवर को 300 ml आपने आईवी मेलफोन सी कैल्शियम दे दिया हो, लगाने के बाद फिर इसको सापकट जो 100 ml या 200 ml बॉडी वेट के हिसाब से सापकट भी इसको लगा देना चाहिए, ताकि फिर दोबारा सापकट लगाने से दोबारा जो जानवर में मिल्क फेवर केस का मसला नहीं बनता। अगर कैल्शियम की मकदार कम दी जाए तो अगले दिन दोबारा अटैक भी हो जाता है। तो इस वक्त ये इसको ड्रिप कैल्शियम मेलफोन सी की ड्रिप लग गई, लगा दी गई है। ड्रिप लगाने से पहले ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे लेटी हुई थी और एक तरफ गर्दन लगा के बैठी हुई थी। अब इसकी जो इसको उठाएंगे,
इसको बाद में को मिनरल या डीसीपी का भी इस्तेमाल करवाएंगे। 1 kg डीसीपी या मिनरल 100 ग्राम इसको डेली हम देंगे और कल को इसको दोबारा फिर चेक करेंगे, इसकी कंडीशन और टेम्परेचर और स्टमक की कंडीशन। अभी जो कुछ वक्त में ये अभी सुस्त चलेगी, आस्ता आस्ता से ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी।